हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन फ्लेवर्स। मैं पायल, आज हम बनाने जा रहे हैं व्हाइट सॉस पास्ता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी, एंड लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सो फर्स्ट वी टेक अ पैन और कढ़ाई, वी बॉइल द पास्ता, सो वी टेक अ वाटर दो से तीन कप पानी लेके हम उसे पहले बॉईल होने देंगे। नाउ यू सी कि पानी हमारा हल्का हल्का गर्म हो गया है, बबल्स आने लगे हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक टेबलस्पून ऑयल। ऑयल डालने से जो हम पास्ता डालेंगे वो आपस में चिपकेगा नहीं। और एक स्पून, वन टीस्पून सॉल्ट। यहाँ मैंने दो कप पास्ता लिया है, ये पैने पास्ता है। बहुत तरीके की शेप्स आती हैं पास्ता की, ये मैंने पैने लिया है। ये आटा के पास्ता है, आप चाहें तो मैदा, आटा, सूजी सब तरीके के मिलते हैं, बट आई प्रेफर आटा। तो इसको अब हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। इन द मेन टाइम जब तक हमारा पास्ता बॉयल हो रहा है, हम एक दूसरी तरफ पैन या वॉक कुछ भी लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे वन टेबल स्पून ऑयल, ऑलिव ऑयल और कैनोला, वॉट एवर यू प्रेफर। मैं कैनोला ऑयल यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। देन ये जैसे ही हल्का सा गर्म होता है ऑयल हमारा, वी ऐड वन और वन एंड हाफ, ये आप देखेंगे चॉप्ड गार्लिक है, मैंने लहसुन को चॉप कर लिया है। तो पहले हम इसमें गार्लिक ऐड करेंगे, हल्का सा सॉटे करेंगे इसे। फ्लेम लो रखेंगे हम, क्योंकि तो गार्लिक एकदम से बहुत जल जाता है। यहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे मैंने चॉप्ड वेजिटेबल्स ली हैं, इसमें कॉर्न है, कैप्सिकम है, वन कैप्सिकम है, एटलीस्ट वन फोर्थ कॉर्न है, एक गाजर है और ये ऑलिव्स है। ऑलिव्स हम लास्ट के लिए रखेंगे, बाकी वेजिटेबल्स हम अभी डाल देंगे इसमें पैन में। इसको हम स्लाइटली सॉटे करेंगे, हमको ज़्यादा नहीं करना है, इसे हल्का हल्का सॉटे कर लेना। यहाँ आप देखेंगे हमारी वेजिटेबल सॉटे हो गई है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमने निकाल लिए, ये देखिए हमारा पास्ता रेडी है, बॉईल हो गया है। ये ना सॉफ्ट है ना हार्ड है, इस टाइम ये बिल्कुल स्ट्रेन करना है। अब हम इसे पहले हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे, ये हम इसको स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेंगे और ऊपर से ठंडा पानी डाल देंगे थोड़ा। दूसरी तरफ हम सेम वॉक लेंगे, इसी में हमने बटर ऐड करना है। ये हमारा बटर गया, बटर थोड़ा मेल्ट होने देंगे। ये हमारा बटर मेल्ट हो गया है, अब हम लेंगे टू टेबलस्पून मैदा। मैदे को हम भूनेंगे इसमें बटर में। फ्लेम आप लो रखिएगा क्योंकि मैदा बहुत जल्दी कलर उसका
चेंज हो जाता है, तो हमको बहुत लो फ्लेम में इसको भूनना है। ये देखिए मैदे का हमारा कलर जो है थोड़ा हल्का लाइट ब्राउन सा हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप मिल्क, जिसको हम धीरे धीरे डालेंगे ताकि लम्ब्स ना पड़े। तो पहले हम थोड़ा सा डालते हैं, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम बाकी का दूध डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसको विस्कर की हेल्प से भी कर सकते हैं ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए मिक्स हो गया है। ये हमारी सॉस रेडी है। अब हम इसमें अपने वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे जो हमने पहले फ्राई किए थे। We add 1 teaspoon chili flakes, 1 teaspoon oregano, 1 black pepper, 1 teaspoon or tablespoon according to your taste, salt डालेंगे 1 teaspoon and mix it। हम ये सारा काम लो फ्लेम पे करेंगे, नहीं तो हमारी कार और ज्यादा ठीक हो जाएगी ग्रेवी। ये हम चीज स्लाइसेस लेंगे, हम इसमें 2 चीज स्लाइसेस डाल देंगे, इससे टेस्ट बहुत ज्यादा इनहांस हो जाता है, चीजी टेस्ट हो जाता है एंड गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। ये जैसे ही आपका चीज थोड़ा मेल्ट हो जाएगा हमारा, देन वी एड पास्ता जो हमारा बॉयल हो चुका है, हम उसे स्ट्रेन कर चुके हैं। Now we add our pasta in this white sauce. Mix it well. देखिए हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी है। इसमें एक हम ट्विस्ट देंगे, इसमें थोड़ा सा आपको 1 teaspoon चाट मसाला इसमें हम ऐड करेंगे, इससे फ्लेवर और भी थोड़ा चटपटा सा हो जाता है। नाउ इट्स रेडी। अब हम इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये हमारा पास्ता सर्व हो रहा है। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे ऑलिव से। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। सो दिस इज आवर पास्ता इज रेडी।